नमस्कार, 2 दिन पहले हमने आपको यह खबर दिखाई थी कि किस प्रकार झारखंड के किसान बिचौलियों को औने पौने दाम पर धान बेचने को विवश है। इस संबंध में हमने झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव से बात की कि अभी भी किसान बिचौलियों को 10-11 रुपए 12 रुपए पे धान बेच रहे हैं। उनको योजनाओं की जानकारी नहीं है, MSP की या जो भी कारण हो, लेकिन धान बिक रहा है बिचौलियों के हाथ। आप कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, आपका हम प्रतिवाद नहीं करेंगे, लेकिन हम लोगों को सिखा रहे हैं, जहाँ जहाँ जा रहे सिखा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आप बीज घर से निकालते हैं, खेतों में डालते हैं, पैदा फसल की पैदा होता है, होती है, फसल आती है, आप खेते में क्यों बेच देते हैं? अरे कुछ दिन तो रखिए घर में ला करके। ये आदत डालने अभी है क्या लोगों का कि खलिहान में बेच देंगे? ये आदत को छोड़वाना चाहते हैं हम लोग। घर में रखो कुछ दिन, या अगले साल से हम हो सकता है कि एडवांस करें अपना डेट को लेने में, एजुकेट कर रहे हैं लोगों को। और यही कारण है कि पिछले साल जो खरीद हुई धान की, इसी उत्साह में इस साल लोग ज़्यादा कवरेज हुआ इस साल, इसका धान का ज़्यादा लोग धान पैदा की, बरसात भी बढ़िया हुई और खेत भी ज़्यादा बढ़ा दिए लोग धान खेती करने के लिए। ये है, फायदा हो रहा है। लेकिन सरकार अगर, भारत सरकार अलाउ करेगी तो हम गेहूँ भी लेना चाहेंगे MSP पर, लेकिन सरकार पर अलाउ करे तो परमिशन उसको देना होगा कि हम दे सकते हैं कि नहीं है। तो आप ठीक कर रहे हैं, ये है, हो रहा है, हम जानते हैं, लेकिन उनको हम एजुकेट करना चाहेंगे कि धान को 15-20 दिन कम से कम अपने घर में रखिए ला करके, और खलिहान में ही मत बेच दीजिए, खलिहान से बेच देते हैं, ये सच्चाई है। आप तो सर एजुकेट कर रहे हैं, लेकिन ब्लॉक से या जिला से कोई अधिकारी पदाधिकारी गांव में नहीं जाता है, उसको जानकारी नहीं है किसानों को। अब धीरे धीरे कम होगा, और एजुकेट हो रहे हैं लोग, समझ रहे हैं, क्योंकि हम बात होती है ना, जहाँ घूमते हैं गांव देहात में तो बोलते हैं कि अच्छा किए थे,